नमस्कार दोस्तों, अंजू बालकनी एंड टेरेस गार्डन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैंने कुछ ऑयल कैन DIY प्लांटर बनाए हैं जिनको आज मैं दिखा रही हूँ। अब ये भी मेरी प्लांटर फैमिली में शामिल हो गए हैं नए, तो ये आराम से बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने टिपिकल वाला नहीं बनाए हैं, नॉर्मल बनाए हैं। इनकी डिज़ाइन भी अच्छी लगती है और देखिए ये काफ़ी आपकी गार्डन की शोभा बढ़ा देते हैं और वेस्ट मटेरियल भी काम आता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये 5 या 6 हैं कुछ इस तरह से ऑयल कैन के, और ये अभी थोड़े गंदे हैं तो ये मुझे पड़ोस से मिले हैं, उन्होंने दिए। तो इनको सबसे पहले मैंने इस तरह से साफ़ कर लिया है, अपने बर्तन जो हम स्क्रबर यूज़ करते हैं उससे आप अच्छे से इनको साफ़ कर लीजिए, और इनके जो रैपर वगैरह लगा रहता है उनको आप हटा दीजिए। अच्छे से पूरा साफ कर लिया है, अब हम इनको निशान बनाएंगे इस तरह का, ये देख रहे हैं आप। तो इधर जो हैंडल है, हैंडल की तरफ से हम इसे फ्लावर जैसा एक गोल गोल इस तरह का निशान बना देंगे। मार्कर अगर आपके पास है तो मार्कर से आप बना सकते हो, पेंसिल अगर चल जाती है तो पेंसिल से। देखिए इस तरह का गोल गोल आपको बनाना है। थोड़ा आपको बड़ा अगर लेना हो हैंडल की तरफ से, मैं थोड़ा छोटा ले रही हूँ क्योंकि जो प्लांट होता है उसमें अड़ जाता है ये, तो ये बस पकड़ने के लिए काम आ जाए उतना ले रही हूँ, और डिजाइन भी लगेगी। तो इस तरह की ये डिजाइन ऊपर की तरफ बना देंगे और इधर नीचे की तरफ भी इस तरह की ही ये गोल गोल इस तरह से बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो कोई और जिपजैक भी साइन बना सकते हो। तो इस तरह के सारे में हम पूरे ये इसी तरह की डिज़ाइन बना देंगे सारे, जो भी आपकी, मैं इनमें यही वाली डिज़ाइन रख रही हूँ। वैसे मैंने पहले स्वान वगैरह और भी चीज़ें बनाई थी, पर इस बार बिल्कुल सेम एक ही तरीके की डिज़ाइन, ये इस तरह की डिज़ाइन वाले सारे बनाने वाली। देखिए सारे में हमने इस तरह की डिज़ाइन बना दी है। अब इसको, ये जो डिजाइन है इसी जगह से हम कट करेंगे इसको। अगर आपके पास एक ब्लेड वाला है उससे भी कट कर सकते हो, मैं तो एक चाकू रखती हूँ उसको गैस पे गर्म करके, उससे इजीली कट हो जाता है। और मास्क मैं पहन लेती हूँ उस टाइम, क्योंकि इसमें प्लास्टिक का थोड़ा धुआं सा निकलता है। तो इस तरह से ये देखिए कट हो गया, जहाँ जहाँ से आपने निशान लगाया है वहीं वहीं से आपको इसमें ब्लेड जो चाकू है वो गर्म करके उधर वो उसी तरफ से निशान बन जाता है। और बहुत ही सावधानी से करना है। इसमें मैंने होल बहुत सारे किए हैं, करीब 8-8 होल किए हैं, जिससे कि प्लांट के लिए अच्छे से हवा मिलती रहे, क्योंकि ये प्लास्टिक के हैं तो उसके लिए ज़्यादा होल किए हैं। ये देखिए अब ये सारे होल हो चुके हैं। अब इसको हम अगर चाहें तो यही कलर रख सकते हैं चाहे तो, और मैं थोड़ा सा इनको कलर कर रही हूँ। वाइट वाले पे मैंने ब्लैक डॉट लगा दिए हैं, और एक जो गोल्डन कलर का था उसमें भी थोड़ा मैंने पिंक कलर कर दिया है, और येलो में भी जहाँ जहाँ ब्लैक हो गया या कुछ अनइवन सा था तो वहाँ भी मैंने येलो कर दिया। मेरे पास कलर थे तो मैंने कर दिया। उसके बाद वाइट कलर के डॉट लगा दिए हैं, पोल का डॉट जो होते हैं, देखिए काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। ये पिंक कलर है इस तरह से। अब हमारे पास 3 और 6 जो है नए प्लांटर तैयार हो चुके हैं। इनमें आप अपने सीजनली प्लांट्स लगा सकते हो। मैंने कुछ सीड्स बोए थे तो वो कॉम के सीड्स हैं, तो वो उग चुके हैं, तो मैं उनको इसमें पहले इनके लिए हम जो ये होल हुए हैं तो उसके लिए कंकड़ लगाने की बजाय मैं इस पर एक कॉटन के कपड़ा इस साइज का कट करके नीचे कपड़ा रख रही हूँ। उससे क्या होगा, मिट्टी बाहर नहीं जाएगी और पानी भी आपका आराम से बाहर निकलेगा। तो ये कॉटन का कपड़ा है वही रखा है। ये देखिए सारे में हमने मिट्टी तैयार करके ये प्लांट्स लगा दिए हैं, देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी मैंने बाउंड्री पर ही रखे हैं, बाद में इनकी जगह सेट कर देंगे जो भी अच्छी लगेगी। और ये सारे कॉप्सकॉम के जो वेलवेट वाला प्लांट होता है उसके प्लांट्स हैं इसमें जो लगाए हैं। से पहले भी मैंने ऑयल कैन के तरह तरह से बनाए हुए हैं, देखिए काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, और वेस्ट मटेरियल भी आपका प्लास्टिक जो है वो भी काम आ जाती है पूरा अच्छी तरह से, तो देखने में भी सुंदर लगते हैं, कलरफुल होते हैं।
कलर आप जो मर्जी चाहे कलर कर दीजिए इनको और बस तैयार हैं। और जो मर्जी आप प्लांट इसके अंदर लगा सकते हो, चाहे तो मनी प्लांट लगा सकते हो, उसको आपको नीचे रखना पड़ेगा इंडोर में, जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो वहाँ रखेंगे। ये देखिए काफ़ी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं आपके टेरेस की। और इनकी प्लास्टिक भी काफ़ी मजबूत होती है, तो जो एक दो साल तो आराम से चल ही जाते हैं। अभी तक तो मेरे 3 साल से चल रहे हैं। ये देखिए इसको तो मैंने पूरा ये लिटा के बस इस तरह का बना दिया है। इन 2-3 जो है बस इनका ऊपर का कवर ही मैंने कट किया था, और ये भी कुछ इस तरह के बने हुए हैं। और सब में अच्छे प्लांट्स चलते हैं, बस पानी नहीं रुकना चाहिए इनका। ये देखिए मैंने ये नीचे बालकनी में भी रखे हुए हैं, ये सब भी ऑयल के इनके ही बने हुए हैं, काफ़ी सुंदर है। ये गणेश वाले और ये हट वाला कितना सुंदर, देखिए इनमें प्लांट्स भी काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि प्लांट्स उगते नहीं हैं। ये देखिए ये भी, इनमें भी काफ़ी सारे मैंने इस तरह के उगाए हुए हैं। और ये स्वान वाला बनाया था आपको, मैं काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ इसको भी। इस तरह से आप अपने वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके और अपने गार्डन की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं।